हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदुस्तानी इन जापान। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि जो जापान का यूआर अपार्टमेंट है वो रॉ फ्लैट कैसा दिखता है, कि उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ वो यूआर अपार्टमेंट वाले देते हैं, क्या चीज़ आपको अपनी लगानी पड़ती है। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है जो कि फ़्लैट देख रहा है, तो उन्हीं के साथ हम फ्लैट देखने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं और आपको थोड़ा सोसाइटी का व्यू भी दिखा देता हूँ। ये छोटे छोटे पार्क बना रखे हैं जिसमें कि सैंड का एरिया भी है, और ये एक ऊपर से डॉम है, और यहाँ पर इस तरह के राइड्स भी होती हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे स्लाइडर हैंग करने के लिए। और वुडन जो सैंड का जो एरिया है वो हर जगह पे मिलता है, एक यहाँ है एक उस उधर है। टोटल यहाँ पे 5 बिल्डिंग्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। दिस इज़ अ बिगर बिल्डिंग। दो डोर होते हैं यहाँ पे, पहला डोर तो आपको सेंसर से अपने आप ओपन कर देगा। जो सेकंड डोर है उसके लिए यहाँ पर एक डिवाइस दिया गया है, जैसे कि आपको रूम नंबर प्रेस करना होगा और ये बटन प्रेस करना होगा, तो उसके बाद वहाँ पर बेल जाएगी और इस कैमरे से हमारी फ़ोटो आ जाएगी और वो देख सकते हैं कि कौन आया है घर से, और फिर वो डोर ओपन कर सकते हैं। देखो खुल गया, सो दिस वे डोर ओपन्स एंड लिफ्ट यहाँ पर मिलती है। दो लिफ्ट होती हैं जनरली, दोनों सेम साइज़ की होती हैं। एक लिफ्ट जो है वो फिज़िकली हैंडीकैप के लिए होती है और उसमें मिरर भी होता है। तो अभी जो हम दिखाने वाले हैं फ्लैट वो 2LDK फ्लैट है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर भी एक ऑप्शन है कि आप बेल दबाएंगे तो वहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। ये होता है एरिया जिसमें कि यहाँ पे आप अपना फुट शू रैक रख सकते हैं, हाइट में भी काफ़ी है तो लंबे वाला शू रैक भी आ सकता है। और एंट्रेंस पे यहाँ पर आपको शूज़ उतार के ही जाना होता है, सारा वुडन फ्लोरिंग है तो यू कैन नॉट यूज़ योर शूज़ आउटडोर शूज़ इनसाइड। और ये एक टॉयलेट दिया है एंट्रेंस पे, और इसमें भी पूरी वुडन फ्लोरिंग है प्रॉपर। और ये वाला कॉन्सेप्ट जापान का है कि अगर आप वॉशरूम गए हैं तो यहीं से वॉश कर लीजिए, तो पानी यहाँ से चलाएंगे तो ऊपर से पानी आएगा और आप हैंड वॉश कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक बटन दिया है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन प्रेस दिस, और वहाँ से सबको पता चल जाएगा कि समबडी इज़ इन द टॉयलेट एंड नीड सपोर्ट। तो यहाँ से जो है आपका एक रूम आता है जो कि काफ़ी बड़ा रूम है, और यहाँ पर आप बेडिंग कर सकते हैं साइड। इसमें AC के लिए विंड जगह दी जाती है, आप अपना AC सेटअप कर सकते हैं, और विंडो भी काफ़ी बड़ी है। ये एक रूम है जिसमें आपको एक छोटी लाइट दी है इन्होंने, और फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ हमेशा होता है। जो अलमीराज हैं वो काफ़ी बड़ी अलमीरा है, डबल वार्डरोब है, तो यहाँ पर ऐसे काफ़ी बड़े बड़े लगेज रखने के लिए यहाँ पर आप हैंगर टांग सकते हैं, उस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पर छोटा छोटा स्टफ रख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी अलमीरा देते हैं ये लोग। पूरी की पूरी अलमीरा जो है वो वुडन की ही होती है। एंड ये जो है वो वॉशिंग एरिया है जिसमें कि सिंक मिलती है यहाँ पर आपको, और ये बहुत ही जहाँ जहाँ मॉड्यूलर हो चुका है वहाँ पर कैसे है, यू कैन टेक आउट वॉश कर सकते हो पूरा बेसिन को, दैट्स द बेस्ट थिंग। और ऑन करने के लिए ये हॉट, ये ठंडा पानी, ये गर्म पानी उसके लिए है, और ये बटन प्रेस करके दिस कम्स आउट इन एंड आउट, तो ये भी अच्छा फीचर है इनका। ये बड़ा वाला शीशा देते हैं, लाइट है उसके ऊपर, मेकअप के लिए लड़कियों को अच्छा रहता है इससे। ये हमारा मशीन के लिए एरिया है जहाँ पर आप अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। ऊपर कबर्ड मिलता है ताकि आप यहाँ पे अपना वॉशिंग पाउडर एंड एवरीथिंग यू कैन कीप। उसके अलावा ये हमारा बाथरूम है, ये वाला टब थोड़ा छोटा है, जनरली बड़ा टब मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर शावर के लिए अगर आप टब यूज़ करना चाहते हैं, लाइट इनबिल्ट होती है, और यहाँ एग्जॉस्ट भी होता है, ये सारा ऑपरेशन उसका एग्जॉस्ट का। यहाँ से अगर हम चलें तो एक और यहाँ पे छोटा सा वार्डरोब दिया है ताकि आप किचन के आसपास थोड़ा कॉमन एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये जो पूरा घर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कैसी होती है कि एक लेयर उठाया होता है फ्लोर से, ये देखो कितना ऊँचा उठाया हुआ होता है, और पूरा वुडन फ्लोरिंग होता है, तो इतने इतने सपोर्ट के ऊपर यह पूरा घर बना हुआ है।
तो ये आपका पूरा सेपरेट हो गया इस डोर को क्लोज करते ही, एक रूम, एक वॉशिंग एरिया, वॉश बेसिन एरिया और ये टॉयलेट। और यहाँ से अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ से जब आप एंटर करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में किचन मिल जाएगी, पूरी किचन। सीधा जाएंगे तो आपका लिविंग रूम आ जाता है। लिविंग रूम डिफरेंट साइज के होते हैं, तो ये एक लिविंग रूम है। इसमें एसी इंस्टॉल्ड आता है, एक बल्ब दिया जाता है, आप बड़ी लाइट अपनी खुद ही लगानी होती है। पूरा वुडन फ्लोरिंग है और उसके साथ एक और रूम जैसे यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर जो डोर होते हैं वो पूरा स्लाइडिंग डोर्स हैं, तो जितने भी बेडरूम्स होंगे उसमें स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे आपको। उसके बाद अगर आप एंटर करें तो ये आपका रूम हो गया, इसमें भी एक लाइट मिलेगी, एसी के लिए जगह मिलेगी, एसी आपको अपना लगाना है। उसके बाद अगर हम देखें, ये एक अलमीरा है, दिस इज़ कॉल्ड वॉकिंग वार्डरोब। काफ़ी बड़ी वार्डरोब होते हैं, जितने भी लगेज आपके बड़े बड़े हों वो आप यहाँ पे रख सकते हो और काफ़ी कुछ सामान आ सकता है। छोटी मोटी अलमीरा भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो इस तरीके से होता है। इसके अंदर लाइट मिलती है, तो लाइट्स ऑलमोस्ट सब जगह पे बल्ब लगा कर दे रहे हैं आजकल। तो ये आपका लेआउट हो गया बेडरूम का। अब यहाँ से अगर हम देखें तो किचन कैसी है, किचन यहाँ पे सबसे डिफरेंट है। ये देखो, ये अभी एक्चुअली रेनोवेटेड हाउस है तो आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो थोड़े पुराने हाउसेज हैं वो डिफरेंट है। ये सिंक इन्होंने बिल्कुल नई लगा के दी है और यहाँ पर भी सामान रखने के लिए जगह अच्छी बना के दी है इन्होंने। और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना पड़ता है वापसी में जब क्लीन छोड़ते हैं। ये है हम जो 3 बर्नर का सेट मिलता है यहाँ पे, और ग्रिल भी मिलती है, सेल भी मिलते हैं यहाँ पे आपको। एंड ये नीचे का जो पूरा एरिया है अच्छा खासा इन्होंने मॉड्यूलर किचन बना के दिया है, ऐसे मिलते हैं यहाँ पर। ये नए जितने भी हैं उन्हीं में ही मिलेगा, जो ओल्ड हैं उनमें इतना ज़्यादा वुडन वर्क नहीं मिलता है। और जो ये एरिया है यहाँ पे जनरली लोग फ्रिज रखते हैं, एंड यहाँ पर आप अपने वुडन के जो किचन के लिए जो अपने भी कैबिनेट हैं वो ला के रख सकते हैं। ये चिमनी है, काफ़ी बड़ी चिमनी मिलती है, लाइट होती है और ऑन ऑफ आप कर सकते हैं अच्छे से। क्लीनिंग के लिए भी अच्छा है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है क्लीनिंग का, अदरवाइज फिल्टर क्लीनिंग में बहुत दिक्कत आती है। ऊपर भी आपको अच्छे खासे वुडन वो मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा है। अभी आपको हम बालकनी भी दिखाते हैं यहाँ की। ड्राइंग रूम से एंड बेडरूम से दोनों से आप बालकनी में जा सकते हैं। यहाँ पे जो डोर होते हैं वो इस तरीके से लॉक लगता है और बाहर जाली मिलती है आपको। इस जाली को आप ओपन कर सकते हैं और ठंडी हवा अंदर आती रहेगी। ये है बालकनी, जहाँ पे कि अगर आपका लोअर फ्लोर है यानी कि सेकंड फ्लोर है तो आपको ये लाइट नाइट के लिए बटन दबाएं और लाइट ऑन कर लें। ये एसी का जो ड्राइंग रूम में एसी दिया है उसका एग्जॉस्ट हो गया। तो ये काफ़ी बड़ी बालकनी है, मैं आपको कॉर्नर से दिखाता हूँ। बालकनी तो ये काफ़ी बड़ी है। और ये मिलते हैं लोहे के रॉड्स, जिनको आप ऐसे रखें और इस पर एक पाइप, जितने पाइप लगाना चाहे लगाएं और कपड़े टांग सकते हैं, चाहे रस्सी भी लगा सकते हैं, तो उस पर्पज़ से होता है। और ये आपका एरिया जहाँ से मैं आया था, पूरा का पूरा ग्रीन एरिया। तो इस तरह के होते हैं हमारे लेआउट जापान में यू आर अपार्टमेंट। क्या क्या चीज़ें मिलती है वो मैंने आपको दिखाया है, जो फ्री होती हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस हाउस, जो कि आपको जब आप जाए आएंगे तो आपको मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस हाउस। आज हमने आपको दिखाया कि कैसा होता है यहाँ पे यू आर अपार्टमेंट में रॉ फ्लैट, क्या क्या इसमें इनबिल्ट मिलता है हमें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।